क्लास नाइन चैप्टर वन डे वन का क्लास है। आपको पहला जो चैप्टर पढ़ना है उसमें सबसे पहला टॉपिक है वह है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो जब नेचुरल नंबर की अगर बात कीजिएगा तो आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5 जो इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है होल नंबर कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर की अगर बात करेंगे हम तो होल नंबर वैसे नंबर होंगे जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिट हो जाएगा तो वो होल नंबर हो जाता है। फिर आपकी बात आती है इंटीजर्स की बात। इंटीजर्स क्या है? तो निगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल नंबर्स को जब इंक्लूड कर दीजिएगा तो वो आपका इंटीजर आ जाता है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर का, जो आप एक क्लास में पढ़े रहिएगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू इंटीजर होगा कोई, ठीक है, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू आपका जीरो। तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर की बात। अब आते हैं किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइक को रिप्रेजेंट अगर करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए अगर तीन क्वेश्चन आपको, तीन चार क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, 1/3 -2/5 और फिर आपको दे रहे हैं 7/3 और 8/5 -3। ये चार को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा नंबर लाइन बन गए, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे ये जीरो ले लिया, ये -1, ये हमारा -2 +1 +2 +3। चलिए हो गया यहाँ पे। तो हम पहली वाली की बात करेंगे 1/3। ये 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका वैल्यू जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो जितना आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है उतना इसके और इसके बीच को उतने पार्ट्स में काट देंगे, तीन टुकड़े में। तो जब टुकड़ा तीन करना हो तो बीच का लाइन दो ही ड्रॉ करते हैं, 1, 2 और ये 3 बनाएंगे। जैसे ये बॉक्स की बात करेंगे, 1, 2, 3 बॉक्स कितने हो गए हमारे पास, 3। तीन बॉक्स में से कितने बॉक्स देने हैं, 1 बॉक्स। ये हो गया हमारा 1/3 नंबर लाइन को रिप्रेजेंट हो गया। फिर आगे की अगर हम बात करेंगे इसका -2/5, ये भी प्रॉपर रैशनल नंबर है पर ये होगा 0 से -1 के बीच में। तो फिर कितने टुकड़े कर रहे हैं यहाँ पे, 5 टुकड़े कर रहे हैं, करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े। उसमें से कितना देना है, 2। तो 0 से 1, 2 0 से आएंगे 1, 2, ये हमारा हो गया -2/5। इसके बाद की अगर बात करेंगे तो हमारा आता है 7/3। तो 7/3 को क्या करेंगे कि मिक्स करके हम बढ़ लेंगे, 2 होल 1/3 आएगा, आया। तो हमारा कहने का यहाँ फायदा कि 2 होल 1/3 के, तो 2 कंप्लीट हो गया, 3 नहीं हो पाया, 2 के बाद 3 आता है, 3 नहीं हो पाया। 2 और 3 के बीच को जितना डिनोमिनेटर हो उतने टुकड़े में काटेंगे, 3 टुकड़ा। तो हमारा ये 1, 2, 3 हो गया। उसमें से देना कितना है, 1 टुकड़ा देना है, यहाँ से यहाँ आए 1 टुकड़ा दे दिए, ये हो गया आपका 7/3। ना कि यहाँ पे आप यही लिखना पड़ेगा, ये तो हमने सॉलिड के लिए किए हैं, यहाँ पे आप 2 और 1/3 आप नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको लिखना होगा 7/3। ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं -8/5 का। इसका कीजिएगा तो -1 होल 3/5, मतलब -1 कंप्लीट हो गया लेकिन -2 नहीं हो पाया, -1 इधर से हम कंप्लीट कर देंगे लेकिन -2 नहीं देंगे, उसके बीच में कितना टुकड़ा, 5 टुकड़ा। तो 5 टुकड़ा करते हैं, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 टुकड़ा हो गया हमारा। तो इसमें से हमको देना है 3। तो देखिए यहाँ से ये है ना 1 का, ये है आपका 0 का, ये आपका 1 का, ये आपके 2 का है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 1, 2, 3 कितना देना था, 3। तो ये हमारा हो गया -8/5। तो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। चलिए अब इसके बाद हमको पढ़ना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या पढ़ना है,
इक्विवेलेंट नंबर। तो ये समझ में आ गई है बातें, हम लोग 8 क्लास में भी देखे थे और 9 में भी हम लोग को पहला चीज यही से स्टार्ट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा ग्रुप में, फिर से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? चलिए, या फिर आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, जैसा हो वैसा हम आपकी प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे, ठीक है? यहाँ पे तो आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, तो यहाँ हम वही बताएंगे जो हमको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब आप बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जैसे अगर कोई रैशनल नंबर का दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रैशनल की हम टॉपिक को ले रहे हैं, -3/7 है, देखिए कोई भी रैशनल इक्विवेलेंट होता है जब इक्वल क्वांटिटी से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी रैशनल नंबर में करते हैं तो वह हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ऊपर नीचा इक्वल क्वांटिटी यानी कि इंटीजर भी हो सकता है, तो हम यहाँ इंटीजर से स्टार्ट करते हैं, -1 -1 से, तो ऊपर नीचेगा तो -3 -7 ये आपका हो गया एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है? दूसरी की अगर हम बात करें कि अगर आप चाहिएगा -3/7 का, इसको लिख सकते थे -3/7 मल्टीप्लाई 3/3, तो +3/7 = 21। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको कहे कि -3/7 का 4 या 5 या 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें लगातार अलग 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 इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे या डिवाइड करेंगे, हमको मिल जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है? अब अगली टॉपिक की बात की है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म की बात जब की जाती है तो कोई भी रैशनल नंबर को कोई भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अगर वो 1 आ जाता है तो हमारा क्या होगा, वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अगर नहीं आता है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। जैसे देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालने जाएंगे तो हमारा ये 4 आएगा, इट मीन्स दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब काटेंगे 4 से, जो हमारा HCF आया 4 से 4 काटेंगे, ये 4 बार में 9/1, इट मीन्स दैट 4/5 जो है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 16/36 किसका है, 16/36 का स्टैंडर्ड फॉर्म है 4/9, क्लियर? समझ में आ रही है बात है? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अगला, अब हम आते हैं, ये 3 सेशन आपका खत्म हुआ, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे, बात करते हैं एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। राइट 4 रैशनल नंबर टू 4/7 एंड 4/7 का आपका 2 रैशनल नंबर या 4 रैशनल नंबर लिखना है। तो अभी तुम जस्ट समझाया जो रैशनल नंबर है उससे कोई भी रैशनल, जैसे 4/7 आपको दिया, इससे 2-4 रैशनल नंबर निकालना कोई दिक्कत नहीं है। 4/7 है तो आप 2 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 4/7 है तो 3 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/7 है तो -2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये मल्टीप्लाई कर करके जैसे ऊपर से ऊपर 8/14 ये हम छोड़ देते हैं आपके लिए, ऊपर से ऊपर कीजिएगा -8/-14 क्या दिक्कत है, आप करते रहिए, ठीक है? तो इस तरह से आपको 4 बोला है, 1, 2, 3 स्वतः भी आप कोई नंबर ले लीजिए इन तीनों को छोड़ के, ठीक है? तो आप इसका निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब आपको कहेगा कि कोई कुछ नंबर लेगा उस दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो हम आपको आज एक बात बता देते हैं, 2 नंबर के बीच का रैशनल नंबर की संख्या अगर कोई पूछता है हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन, जैसे क्वेश्चन क्या है आपको लिख दीजिए क्वेश्चन, हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन 2.1 and 2, मतलब 2 and 2.1 मतलब 2 और यानी 2 और 2.1 2 और 2 तो समझ लो 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। तो इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे 0.1 है, मात्र एक ही होगा, बट नहीं ऐसा नहीं, इसके बीच में आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। अब वो कैसे है समय के साथ हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है? जैसे इसके बीच का रैशनल नंबर आप देख सकते हैं 2.0 है ना, 0.1
जीरो वन लिख सकते हैं, फिर अगर जीरो वन हो गया तो 2.02, 2.03 इस तरह से करते अगर हम आते हैं 2.9 तक तो आ गए, 0.9 तक आ जाएंगे। फिर इसके बाद लिख सकते हैं 2.010, 2.011, 2.012, इसी तरह से आप आगे जाते जा सकते हैं। बस इसको 100 नहीं बोलने देना है, 2.1 नहीं बोलने देना है उसके बीच में। फिर ये हो गया, फिर इसी तरह से आप ले सकते हैं 2.01, 01, फिर 1110, इस तरह से इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा दो नंबर के बीच में। अगर हमने क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी, यानी कि कितनी संख्या होगी, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन कितना है कितना, तो आपका आंसर आना चाहिए इनफाइनाइट, न कि आप बैठ जाइएगा निकालने के लिए। ठीक है, अब निकालना कैसे है ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, राइट फाइव रेशनल नंबर बिटवीन -2 and -3। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट फाइव रेशनल नंबर बिटवीन -2 and -3 के बीच का आपको रेशनल नंबर निकालना है। ओके, कुछ नहीं करना है, 5 निकालना हो, 6 निकालना हो, 7 निकालना हो, 8 निकालना हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखिए यहाँ पे -2/1, क्योंकि 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और एक आ जाएगा -3/1। अभी देखिए दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर है, क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रैशनल नंबर हो जाए, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, तो आपको जितना पूछ रहा है, जैसे मान लो 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, जितना भी पूछे, अगर मान लो जैसे हमको यहाँ क्वेश्चन में भी बोला कि 5 पूछ रहा है, तो 5 से कुछ बड़ा ले लीजिए। ठीक है, 5 से बड़ा 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, इस तरह से आगे आप बढ़ सकते हैं। 5 से बड़ा अगर हम लेते हैं तो हम ले लेते हैं कि ही वाला बड़ा ले लेते हैं, हम 8 ले लेते हैं, 8 ऊपर भी 8 नीचे भी, उसी तरह से 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई, 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई। देखिए कितना आ जाएगा, -16/8, -24/8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसके बीच का रेशनल नंबर लिखना है, तो -16, तो क्या इसके बीच का रेशनल नंबर -17/8 होगा क्या? नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये -17/8 आपका इधर आता है नंबर, इधर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बीच का अगर रेशनल नंबर आपको निकालना हो इसके बीच का, तो -15/8, -14/8, -13/8, -12/8, इसी आपको जितना निकालना है, यानी 24 नहीं होने देना है, -23/8 तक आप जा सकते हैं। क्लियर है आपका? चलिए अब इसके बाद की अगर हम बात करें कि सर, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आपके किसी भी अगर क्वेश्चन के रेशनल नंबर आपको निकालना हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि रेशनल नंबर आपके जो दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकाला जाए, तो आपके बुक के आंसर से आपका आंसर मैच नहीं करेगा, तो आपको पेनिक नहीं होना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि हाँ हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये समुद्र है, अथाह है, क्योंकि दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर जब इनफाइनाइट है, मतलब समुद्र है, अथाह है, जहाँ से आपको मात्र 5 बूंद पानी निकालना है, तो कोई कहीं से भी पानी निकाल सकता है। ये जरूरी थोड़ी है जो पानी आप निकाल रहे हैं, जितना मॉलिक्यूल में जो गंदगी आपकी है, वही गंदगी आपकी बाकी में भी रहेगी, या जो भी चीज़ें रहनी चाहिए, तो वो नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ से आपको काम करना है, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, उससे आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अब आइए एक अलग तरीके का, ये निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होगा तो 2/1, 3/1 कर लेंगे, उसके बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन वाले में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, (2/3) and (5/7) इसके बीच का रेशनल नंबर को निकालना है। लेकिन देखिए सबसे पहले हमें क्या बता था कि इसको लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये लाइक है, देखिए 3 है, ये 7 है, नहीं है, तो पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 7, मतलब 21। हम ये क्यों एलसीएम निकाले, क्योंकि हम इसको और इसको लाइक रेशनल नंबर में करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 करेंगे तभी 21 आएगा,
ऊपर है, तो 15/21। अब देखिए तो लाइक ऐसा नंबर हो गया। अब आपको अगर इस दोनों के बीच में 10-15 कितना भी, मान लो अगर 10 का मान, ठीक है, 10 रेशनल नंबर आपको इसके बीच का निकालना है, कितना निकालना है 10, तो क्या करेंगे इसमें आप 10 से बड़ा कोई भी नंबर लेते, 11 नहीं लीजिएगा, उस प्रकार उससे ज़्यादा बैठ जाएगा, मान लेते हैं 15 लेते हैं, तो 15 ऊपर भी 15 नीचे, 15 ऊपर भी 15 नीचे। अब आपको क्या आ गया, 15 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 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
बट्टा में 315 212 बट्टा में 315 213 बट्टा में 315। इसी तरह से आप ला सकते हैं 224 बट्टा में 315। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग ये किए हैं तब, हम लोग ये लिमिट में मतलब किए हैं तब, अगर हम चाहें बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर इसके बीच की जो रेशनल नंबर होगी वो फिर बहुत आएगी। तो आपको जितना चाहिए होगा उससे कुछ ज़्यादा से आप नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। कब? ध्यान रखिएगा जब तक ये लाइव रेशनल फ्रैक्शन ना हो तभी, जैसे 21/21 जैसे पहले बार नहीं किए। अब ये मायने नहीं रखता कि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक हम लाते हैं डेसिमल वर्क में। जैसा कि आपको डेसिमल वाले पर बात करते हैं, चलिए देख जैसे मान लीजिए 1.7 और 1.8 के बीच में आपको 15 डेसिमल नंबर निकालना है। ठीक, कैसे निकालते हैं? चलिए इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कर लीजिए 1.70 जीरो जीरो कर दिए, 1.800 कर दिए, इसके बीच की डेसिमल संख्या कौन कौन लिख सकते हैं? 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705। ठीक है, अब देखिए चाहे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि ये इस तरह से आप 800 तक जा सकते हैं। अभी आप डेसिमल नंबर आपको दिखाई दे रहा हो, तो करना क्या है कि इस डेसिमल को हटाइए और डेसिमल के बदले 1 और 3 डिजिट है 3 0 लगाकर, फिर डेसिमल के बदले 1 3 डिजिट है 3 0, डेसिमल के बदले 1 3 डिजिट है 3 0। इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं डेसिमल के बदले 3 0। ठीक है, आपको देखिए तो रेशनल नंबर आ गया 1701 डिवाइडेड बाय 1000 1702 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से आपका रेशनल नंबर आपका निकल जाएगा। काम क्या है कि आपको एक्सरसाइज 1 आपको जाएगा आपको बना के लाना है। थैंक यू।